नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल संधान एडुकॉम में। मैं अवध आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, एकदम जबरदस्त होंगे। देखो मेरे भाई, आज हम एक बहुत ही अच्छा टॉपिक नोबेल पुरस्कार का लेके आए हैं, ठीक है ना। और बहुत ही गजब की अपनी क्लास रहने वाली है, ठीक है ना। और आपको ना इस वीडियो को देखने के बाद सभी आपका क्या हो जाएगा मेरे भाई, कवर हो जाएगा, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, सभी कवर हो जाएगा। आपको YouTube पे भटकना नहीं पड़ेगा कि कुछ ये करें वो करें, ठीक है ना। एकदम एक वीडियो देखो और आपका क्या हो जाएगा मेरे भाई, पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसा नहीं, और देखो पढ़ना हमको कैसे है ना मेरे भाई, एकदम इंपॉर्टेंट पढ़ना है, ठीक है। शॉर्ट नोट्स बना के पढ़ना है, ऐसा नहीं करना है कि मतलब नोबेल पुरस्कार, अल्फ्रेड नोबेल कौन थे, उनकी अम्मा का नाम कौन था, उनकी माताहारी क्या करी थी, ऐसा कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक है। हमको एकदम टू पॉइंट पढ़ना है, ठीक है मेरे भाई। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले फटाफट से आ जाओ अपनी क्लास में और सभी लोग एक बार सेशन को क्या कर दो मेरे भाई, शेयर और लाइक तो कर ही देना यार, ठीक है ना। सब्सक्राइब करना मत भूलियो, ठीक है ना। ठीक है, चलो भाई शुरू करते हैं। सबसे पहले भैया बात करते हैं नोबेल पुरस्कार की। किसकी करते हैं भैया? नोबेल पुरस्कार की, ठीक है ना मेरे भाई। नोबेल पुरस्कार की मेरे भैया बात कर लेते हैं, ठीक है ना। अब नोबेल पुरस्कार भैया किसकी याद में दिया जाता है? सबसे पहला क्वेश्चन, किसकी याद में दिया जाता है? तो मेरे भाई आप फटाफट से क्या बता दोगे? अल्फ्रेड नोबेल की याद में, ठीक है। आप कॉपी पेन लेके बैठो, फटाफट से आप नोट करते जाओ, ठीक है। किसकी याद में दिया जाता है मेरे भाई? तो अल्फ्रेड नोबेल, ठीक है, इनकी याद में मेरे भैया दिया जाता है, ठीक। किसकी याद में दिया जाता है भैया मेरे? अल्फ्रेड नोबेल की याद में दिया जाता है। भैया ये वैज्ञानिक थे, कहाँ के वैज्ञानिक थे भैया? ये स्वीडिश वैज्ञानिक थे। कैसे थे भैया? स्वीडिश वैज्ञानिक थे, ठीक है ना। क्या थे भैया? स्वीडिश वैज्ञानिक थे, ठीक है ना। अब चलती है भैया अपनी गोली की रफ्तार, ठीक है। अब गोली की रफ्तार का मतलब भैया मेरे क्या आएगी? फटाफट से हम लोग अब यहाँ से पढ़ेंगे बढ़िया तरीका से, एकदम डेट वाइज, जिससे हमको क्या करने में, याद करने में क्या होगी मेरे भाई, आसानी होगी, ठीक है ना मेरे भाई। तो फटाफट से आ जाओ। चलो देखो, सबसे पहली बात भैया क्या है कि इनका जन्म कब हुआ था? तो मेरे भाई आप तुरंत बता दोगे कब जन्म हुआ था भैया? इनका जन्म हुआ था भैया 1833 में। कब हुआ था मेरे भाई? 1833 में इनका क्या हुआ था मेरे भैया? जन्म हुआ था। किसका हुआ था? स्वीडिश वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल का जन्म हुआ था, ठीक है ना। कब हुआ था मेरे भाई? 1833 में हुआ था। जब 1833 में इनका जन्म हुआ, उसके बाद में एक डेट आपको याद रखनी है, 1867 इन्होंने किसकी खोज करी मेरे भाई? डायनामाइट की खोज करी। किसकी करी मेरे भैया? डायनामाइट की खोज करी, ठीक है ना। किसने करी है? तो भैया अल्फ्रेड नोबेल ने, ठीक है ना। आप कॉपी में लिखते जरूर जाना, ठीक है ना। आप देखो एक बार देखें, सबसे पहले अल्फ्रेड नोबेल कहां के वैज्ञानिक थे? स्वीडिश के वैज्ञानिक थे मेरे भाई। इन्हों का जन्म जो हुआ था 1833 में हुआ था, यानी अगर डेट की बात करें तो भैया 21 अक्टूबर 1833 को। कब भैया? 21 अक्टूबर 1833 में इनका जन्म हुआ था। और अगर बात करिए 1867 में इन्होंने भैया डायनामाइट की खोज करी थी, ठीक है। बहुत ही जल्दी टॉपिक खत्म करने वाले, ठीक है। दूसरी बात क्या, डायनामाइट की जब इन्होंने खोज कर दी 1896 भैया, कब मेरे भाई? 1896 में इनकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। क्या हो गई थी मेरे भाई? इनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है ना। जब इनकी मृत्यु हो गई तो इन्हीं की याद में क्या दिया जाता है भैया? नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है। कब मृत्यु हो गई इनकी भैया? 1896 में इनकी क्या हो गई मेरे भाई? मृत्यु हो गई। तो जब ये निपट गए, ठीक है ना, उसके बाद में 1900 में, कब भैया? 1900 में किसकी स्थापना करी गई भाई मेरे? तो आप क्या बता दोगे? नोबेल फाउंडेशन की स्थापना। किसकी भैया? नोबेल फाउंडेशन की स्थापना, ठीक है। कब करेगी मेरे भाई? तो आप तुरंत बता दोगे कब करेगी भैया मेरे? आप बता दोगे फटाफट से 1900 में करेगी, ठीक है ना। उसके बाद में एक डेट याद रखना है आपको, 1901। क्या याद रखना है भैया? 1901 में क्या हुआ? तो आप फटाक से बता दोगे कि 1901 में नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हो गई थी देने की। किसकी हो गई थी भैया? नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हो गई थी। किसकी शुरुआत हो गई थी मेरे भाई? नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हो गई थी। कब हो गई थी मेरे भैया? 1901 में, ठीक है ना। ये एक है मेरे भाई, सात नहीं है, ठीक है ना। तो याद कैसे रखा, 1833 में जन्म, 1867 में डायनामाइट की खोज, उसके बाद में 1896 में अल्फ्रेड नोबेल निपट गए। 1900 की बात करिए तो नोबेल फाउंडेशन की स्थापना हुई। 1901 की बात करिए तो भैया आप क्या बता दोगे? नोबेल पुरस्कार की मेरे भाई शुरुआत हुई, ठीक है ना। जब नोबेल पुरस्कार की भैया मेरे शुरुआत हो गई, उसके बाद में अगर हम तुमको अब क्या करेंगे कि भाई नोबेल पुरस्कार किन किन क्षेत्रों में दिया जाता है मेरे भाई, अगर पूछे किन किन क्षेत्रों में दिया जाता है, तो अगर पूछे आपसे किन किन क्षेत्रों में, ठीक है ना, तो आप भैया मेरे क्या बता दोगे? पांच क्षेत्रों में पहले दिया जाता था। कितने क्षेत्रों मेरे भाई? पांच क्षेत्रों में दिया जाता था, जिसमें भैया पहला क्षेत्र अपना क्या था? सबसे पहला क्या था? भौतिक। क्या था मेरे भाई? भौतिक, ठीक है ना। भौतिक को क्या लिखते हैं भैया मेरे फटाफट से आप बता दोगे? फिजिक्स, ठीक है ना। उसके बाद में किसके क्षेत्र में भैया? रसायन के क्षेत्र में। किसके क्षेत्र में मेरे भाई? भौतिक के क्षेत्र में। और किसके क्षेत्र में भैया मेरे? रसायन के क्षेत्र में, ठीक है ना। रसायन की बात अगर हम बात करिए तो किसकी बात करें भैया? शांति के क्षेत्र में। किसकी भैया? शांति के क्षेत्र में। उसके बाद में भैया साहित्य। किसकी भैया? साहित्य। और उसके बाद में मेरे भाई बात करते हैं तो चिकित्सा।
इसमें भैया चिकित्सा में, ठीक है ना, यानी 1 2 3 4 5, ठीक है ना भैया, पांच क्षेत्रों में पहले दिया जाता था। उसके बाद में क्या हुआ मेरे भाई, किस उसके बाद में 1868 में, कब मेरे भैया 1968 में अर्थशास्त्र में नोबेल भी दिया जाने लगा। कसमें भाई अर्थशास्त्र के क्षेत्र में भैया नोबेल भी दिया जाने लगा, ठीक है। पहला नोबेल कब दिया गया, तो भैया 1969 में दिया जाने लगा, ठीक है। कब भैया 1969 में दिया जाने लगा। तो याद रखेंगे पहले पांच क्षेत्रों में दिया जाता था, अब छह क्षेत्रों में दिया जाता है, यानी किसको जोड़ दिया मेरे भाई, अर्थशास्त्र को जोड़ दिया, ठीक है ना। उसके बाद की अब हम बात करें, जब ये दिया जाने लगा, ठीक है ना, तो अब सीधी सी बात ये बनती है भाई, नोबेल पुरस्कार उन्होंने देना शुरू कर दिया, इसकी राशि कितनी होती है भैया, इसकी भैया राशि कितनी होती है, तो आप क्या बता दोगे भाई, अगर राशि की बात आती है तो राशि इसकी भैया कितनी होती है, लगभग 8 करोड़। कितनी होती है मेरे भाई, लगभग 8 करोड़ इसमें राशि दी जाती है। मतलब राशि कभी एग्जाम में पूछता नहीं है, क्योंकि कम ज्यादा मेरे भैया होती रहती है, ठीक है ना। तो लगभग राशि मेरे भाई कितनी दी जाती है, 8 करोड़ राशि इसमें दी जाती है नोबेल पुरस्कार में, ठीक है ना। अब दूसरी बात हम क्या करें कि कहां कहां दिया जाता है, तो भैया देखो याद रखना, सिर्फ एक शांति का क्षेत्र, कौन सा क्षेत्र भैया, शांति का, हम वो वाली शांति नहीं बोल रहे हैं जो तुम समझ रहे हो, मतलब शांति पीस, ठीक है ना। शांति के क्षेत्र में अगर दिया जाता है भैया, तो शांति के क्षेत्र में कहां दिया जाता है, तो नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में। कहां पर भैया, नॉर्वे की जो राजधानी है, राजधानी है ओस्लो, ठीक ना। यहां पर सिर्फ और सिर्फ शांति के क्षेत्र में दिया जाता है, बाकी कहां पर दिए जाते हैं, स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में, ठीक है ना। बाकी जो पांच पुरस्कार दिए जाते हैं, कितने दिए जाते हैं मेरे भाई, बाकी पांच पुरस्कार, ठीक है। कितने पुरस्कार मेरे भैया, पांच पुरस्कार जो दिए जाते हैं वह कहां पर दिए जाते हैं, तो आप फटाफट से बता दोगे, कहां पर, स्टॉकहोम में। कहां पर भैया मेरे, स्टॉकहोम में दिए जाते हैं, ठीक है ना। चलो फटाफट से इतना नोट मार लो, बहुत जल्दी स्पीड में, ठीक है ना, फटाफट से चलो नोट मार लो, चलो कर लिया ना, स्क्रीनशॉट मार लिया, ठीक है। आपको स्कीम पीडीएफ भी उपलब्ध करा देंगे, आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, आपको मेरे टेलीग्राम चैनल की मेरे भैया लिंक मिल जाएगी, उस पर आप एक बार क्लिक करेंगे, आपको क्या मिल जाएगी मेरे भाई, पीडीएफ भी मिल जाएगी, ठीक है ना भैया। चलो आगे बढ़ जाते हैं, अब आगे देखो क्या होता है मेरे भाई, पांच क्षेत्रों में दिया जाता है। कितने क्षेत्रों में दिया जाता है भैया, पांच क्षेत्रों में दिया जाता है। राशि कितनी होती है भैया, लगभग 8 करोड़ इसकी राशि होती है, ठीक है। हमने आपको ये सारी बातें बता दी, अब हम आपको देखते हैं, सबसे पहले अभी एक आप हाइडिंग डालिए फटाफट से, कि दो बार नोबेल पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति, यानी दो बार नोबेल पुरस्कार किसको किसको मिला, तो सबसे पहले देख लो भैया क्या है, दो बार नोबेल पाने वाले व्यक्ति, ठीक है, पाने वाले व्यक्ति, ठीक है ना। फटाफट से आप लोग हाइडिंग डाल लीजिए, ठीक है। चलो सबसे पहले भाई, अब देखो हमने आपको इसीलिए हम डेट वाइज याद करा रहे हैं, क्योंकि डेट वाइज याद करने का फायदा अपना है कि आप पहले डेट याद करो, डेट के हिसाब से आप याद कर दो, आपको सन भी याद हो जाएंगे और इंपॉर्टेंट भी याद हो जाएंगे, ठीक है। हमको पढ़ाई कैसे करनी है, बिल्कुल स्मार्ट तरीके से करनी, कैसे करनी मेरे भाई, स्मार्ट तरीके से करनी, ठीक है। खच्चर जैसा पगलाना नहीं है कि चार चार पांच पांच घंटे लगे हुए हैं, ठीक है ना, उसके बाद में भी रो रहे हैं कि भाई पढ़ाई नहीं हो पा रही, हमारा स्कोर नहीं हो पा रहा है, काहे नहीं हो पा रहा है, इसीलिए नहीं हो पा रहा है, ठीक है ना, क्योंकि भाई देखो तुम पढ़ पांच पांच छह छह घंटे रहे हो और गजापंथी वाले काम कर रहे हो, ठीक है ना, स्मार्ट तरीके से नहीं पढ़ रहे हो। चलो भाई अब देखो, सबसे पहले अगर बात करिए, दो बार नोबेल पुरस्कार जो पाने वाले व्यक्ति हैं, उनमें सबसे पहला अगर नाम आता है भैया, तो किसका आता है मेरे भाई, मैडम क्यूरी का। किसका आता है मेरे भैया, नाम ही मैडम क्यूरी है ना, तो लिखने में भी बड़ा वैसा लगता है, ठीक है। किसका आता है मेरे भाई, मैडम क्यूरी का आता है, ठीक है ना। किसका आता है, मैडम क्यूरी का। मैडम क्यूरी को सबसे पहले 1903 में दिया गया था, कब दिया गया था मेरे भाई, 1903 में दिया गया था। उसके बाद में मेरे भैया कब दिया गया है, तो 1911 में दिया गया है। कब दिया गया, 1911 में। 1903 की अगर बात करें, तो भैया भौतिक के क्षेत्र में दिया गया है। किसके क्षेत्र में दिया है भैया मेरे, भौतिक के क्षेत्र में दिया है। 1911 की अगर हम बात करें, तो 1911 में किस क्षेत्र में दिया है, तो आप बता दोगे मेरे भाई, रसायन के क्षेत्र में दिया है। किसके क्षेत्र में दिया है, रसायन के क्षेत्र में दिया है। तो याद करो, 1903 और 1911 मैडम क्यूरी, भौतिक और रसायन के क्षेत्र में दिया गया, ठीक है। रेडियो एक्टिविता के लिए और रेडियम के लिए इनको दिया गया था, ठीक है ना। चलो अब इसके बाद भैया दूसरे नंबर पे आ जाते हैं। दूसरे नंबर पे अपने कौन मनुष्य है, तो दूसरे नंबर पे भैया कौन है, जॉन बारडीन। कौन है भैया मेरा, जॉन बारडीन, ठीक है ना, जॉन बारडीन लिखा हुआ है, ठीक है ना। आपको उम्मीद है शायद लिखा दिख रहा होगा, साफ साफ दिख रहा है मेरे भाई की, नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है तो दोबारा दिखवा देंगे, काहे परेशान हो लोग, ठीक है ना। परेशान नहीं होना है बिल्कुल, मतलब एकदम बढ़िया तरीके से पढ़ना है, ठीक है ना, क्योंकि लीक नहीं पीटनी है यार, जितना देर पढ़ना है एकदम सॉलिड पढ़ना है, ठीक है ना। तो भैया क्या है, जॉन बारडीन, ठीक है ना। अब जॉन बारडीन को कब दिया गया, तो देखो आप फटाफट से दिमाग लगा देंगे कि देखो कब दिया गया, तो भैया 1956 में। कब दिया मेरे भाई, 1956 में दिया गया है। और 1972 में दिया गया, कब दिया गया मेरे भाई, 1972 में दिया गया है। अब इसको हम याद कैसे करेंगे, देखो जॉन बारडीन से एक नाम याद आता है, जॉन सिन्हा,
क्या नाम आता, जॉन सिना, जॉन सिना WWE वाला ना, तो मार डालेंगे, फोर डालेंगे, तोड़ डालेंगे बोलता था ना, ठीक है ना। चलो अब भैया देखो उसका 56 इंच का सीना था, अब याद तो आपको रखनी क्योंकि सारे जो कांड हो रहे हैं 1900 के बाद हो रहे हैं, ठीक है ना। तो उसका भैया 56 इंच का सीना था, तो 56 से क्या रखेंगे, 56, ठीक है ना। और कितना फुला लेता था, 72, तो ऐसे रखेंगे 56 इंच का सीना था, 72 फुला लेता था, तो 1956 और 1972, ठीक है ना। अब बताओ जॉन सिन्हा को, भैया अब जॉन सिन्हा को तुम तो देख के क्या लगता है वो केमिस्ट्री के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है कि H2SO4 लेके घूम रहा है कि आ जाओ मैं तोड़ दूंगा, ये कर दूंगा, तेजाब डाल दूंगा, ऐसे तो नहीं करता है ना। तो जॉन सिन्हा को आप क्या याद रखोगे, फिजिक्स, यानी इसको फिजिकल अच्छी थी, तो फिजिक्स यानी किसमें मिला था भैया, भौतिक के क्षेत्र में मिला था, किसमें मिला था, भौतिक के क्षेत्र में इसको मिला हुआ था, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ जाते हैं भाई मेरे, अब आते हैं भैया थर्ड नंबर की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं भैया मेरे, थर्ड नंबर की मेरे भाई बात कर लेते हैं। तो देखो थर्ड नंबर पे आ जाता है भैया फ्रेडरिक सेंगर, कौन आता है भैया, फ्रेडरिक सेंगर, ठीक है ना, कौन आता है मेरे भाई, फ्रेडरिक सेंगर आ जाता है। अब फ्रेडरिक सेंगर की बात कर लेते हैं, फ्रेडरिक सेंगर क्या कह रहा है, इसको कब मिला है भैया, तो फटाफट से बता दोगे कब मिला है, तो सबसे पहले भैया मिला है 1958 में, और कब मिला है भैया 1980 में, ठीक है ना। तो देखो इसकी शकल देख के तुमको लग रहा है फ्रेडरिक, फ्रेडरिक से तुमको ऐसा नहीं लग रहा है, केमिस्ट्री वाला फील आ रहा है, कैसा रहा, केमिस्ट्री वाला फील। तो भैया इसको किसमें मिला है, केमिस्ट्री में, भैया किसमें मिला है, इसको रसायन के क्षेत्र में मिला हुआ है, किस क्षेत्र में मिला है मेरे भैया, रसायन के क्षेत्र में इसको मिला हुआ है, ठीक है ना। यानी कितने हो गए, 1, 2, 3, अब बचा चौथा, ठीक है ना। अब चौथा भैया है, चौथा की भैया बात करें तो चौथा कौन सा है, तो चौथे की भैया बात करें तो कौन सा है, लोनस पॉलिंग, कौन है भैया, लोनस पॉलिंग, ठीक है ना, लोनस पॉलिंग, ठीक है ना भैया। अब लोनस पॉलिंग को भैया किसमें दिया गया है, तो भैया सबसे पहले देख लो कब दिया गया है, तो भैया लोनस पॉलिंग को सबसे पहले कब दिया गया भैया, 1954 में, कब भैया 1954 में, और उसके बाद में भैया दिया गया 1962 में, ठीक है ना। इन दो समय दिया गया, कब दिया, 1954 और 1962 में, ठीक है ना। अब 1954 की अगर हम बात करें तो 1954 में केमिस्ट्री में दिया गया था, और 1962 की बात करें तो 1962 भैया शांति में दिया गया था, किसमें दिया गया था, 1954 में भैया किसमें दिया गया था, रसायन में, किसमें दिया गया था भैया, रसायन में, 1962 में किसमें दिया गया था भैया मेरे, शांति में दिया गया था, ठीक है ना। एक मिनट भाई पानी पी लो, जरा थोड़ी प्यास लग रही है, पानी पिला देना सर जरा, आप फटाफट से नोट कर लो तब तक मेरे भाई, ठीक है ना, एक मिनट लगेगा बस। एक मिनट भैया बस, मतलब एकदम अंदर से एकदम पैसा लग रहा है ना, एकदम प्यास टाइप की आ रही, ठीक है ना, बहुत ज्यादा मुंह सूख रहा है इस वजह से, ठीक है। चलो मेरे भाई तब तक आपको एक शायरी सुना दें, हमारे सामने एक लोग बैठे हुए हैं, उनको देख के हमें एक शायरी याद आ रही, बहुत बढ़िया, कि वो गजल वालों का उसलूक समझते होंगे, क्या कहते भैया, एक शायरी याद आ गई, मतलब वो गजल वालों का उसलूक समझते होंगे, चांद को खूब समझते होंगे, ठीक है, वो गजल वालों का उसलूक समझते होंगे, चांद को खूब समझते होंगे, मेरी सूरत मिलती है उनकी गजलों से, लोग उनको मेरा महबूब समझते होंगे, ठीक है। तो मतलब समझ रहे हो, हम शायर इतने बड़े नहीं है, कायर समझ लेना, ठीक है ना। चलो भाई मेरे आगे आ जाओ भैया, आगे आ जाते हैं फटाफट से भैया 5 नंबर पे, ठीक है ना। अब भैया 5वें भैया कौन कह रहा है, तो 5वें बाजा फटाफट से, तो 5वें नंबर का भैया कौन है, वेरी शार्पलेस, क्या भैया इसका नाम ही है भैया, क्या नाम है, वेरी शार्पलेस, ठीक है ना भैया, वेरी शार्पलेस, ठीक है, कौन है भैया, वेरी शार्पलेस, ठीक है। अब अगर हम बात करें वेरी शार्पलेस को, तो भैया 2001 में दिया है, कब दिया है, 2001 में, और 2022 में दिया है, तो भैया किस क्षेत्र में दिया है, तो भैया केमिस्ट्री क्षेत्र में दिया गया, किसके क्षेत्र में दिया है भैया, केमिस्ट्री, ठीक है ना, यानी किसके क्षेत्र में भैया, रसायन के क्षेत्र में दिया गया है, ठीक है ना। इस चीज को आप लोगों को याद रखना है, ठीक है, और वो नहीं ऐसा नहीं बोलना है, शायरी हम बोलने की फुल कोशिश करते हैं, ठीक है, कभी कभार गड़बड़ा जाता है यार, समझा करो बात को, ठीक है ना। चलो भैया, तो इन लोगों को भैया क्या दिया गया था, 5 बार, जो 5 लोग हैं इनको 2 बार नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था, ठीक है ना। अब देख लो भैया मेरे, अब थोड़ा आगे और बढ़ जाते हैं, अब हम इसमें क्या देखेंगे कि एक सोसाइटी थी, 3 बार नोबेल पुरस्कार किसको मिला है, क्या किसको मिला है मेरे भाई, 3 बार की हम बात कर लेते हैं, 3 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त, ठीक है ना, 3 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त संस्था, ठीक है ना भैया, तो 3 बार नोबेल पुरस्कार भैया किसको मिला है, तो देखो फटाफट से आप आ जाएंगे, 3 बार नोबेल पुरस्कार किसको मिला है, तो भैया किसको मिला है, रेड क्रॉस सोसाइटी को, किसको मिला है मेरे भाई, रेड क्रॉस सोसाइटी को, ठीक है ना, किसको मिला है, रेड क्रॉस सोसाइटी को, ठीक है ना, सोसाइटी, ठीक है भैया। इसके जो संस्थापक हैं, इसके अगर संस्थापक आप लोग पहले लिख लो,
ठीक है ना, क्योंकि आपको याद रखना चाहिए इसके संस्थापक है भैया हेनरी ड्यूट। कौन है भैया? हेनरी ड्यूट, ठीक है ना। कौन है भैया? हेनरी ड्यूट, ठीक है ना। अगर हेनरी ड्यूट की बात करी जाए उसके बाद भैया अगर पूछे इसकी स्थापना कब हुई है, तो अगर आप बता दोगे रेड क्रॉस सोसाइटी जो है, रेड क्रॉस सोसाइटी भैया स्थापना कब हुई है, तो स्थापना हुई भैया 1863 में। कब हुई मेरे भाई? 1863 में। इसकी क्या हुई मेरे भाई? स्थापना। इसका मुख्यालय कहां पर है? इसका मुख्यालय कहां पर है? जेनेवा में। कहां पर भैया? मुख्यालय कहां पर है? तो मेरे भैया आप कहां बता दोगे? जेनेवा में इसका मुख्यालय, ठीक है ना। इसको नोबेल पुरस्कार जो मिला था तो आप फटाफट से बता दोगे कब मिला था? सबसे पहले मिला था 1917 में, ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध, फिर 1944 में और फिर 1963 में, ठीक है ना। तीन जगह, तीन टाइम पे इसको क्या मिला गया? नोबेल पुरस्कार मिला है। किस क्षेत्र में मिला है? तो आप चौड़े होके बता दोगे मेरे भाई किस क्षेत्र में मिला है? शांति के क्षेत्र में इसको मिला हुआ है, ठीक है ना। चलो अब देखो यहां तक आ गए हम, किसके क्षेत्र में? शांति क्षेत्र में। अब आपसे अगर एक यहीं से एक आपको याद रखना है इंपॉर्टेंट, कि अगर आपसे पूछ दे विश्व रेड क्रॉस दिवस, क्या पूछ दे भैया मेरे? विश्व रेड क्रॉस दिवस पूछ दे, ठीक है ना, ठीक है। तो आप क्या बता दोगे भैया? 8 मई। क्या बता दोगे मेरे भाई? 8 मई, ठीक है ना। क्या बता दोगे? 8 मई, ठीक है ना। चलो किस क्षेत्र में मिला था? शांति क्षेत्र में, आपको बता दिया है। अब भैया एक और संस्था है, कौन सी? इसका नाम क्या है भैया? संयुक्त राष्ट्र उच्चायुक्त। क्या है भाई? संयुक्त राष्ट्र उच्चायुक्त, ठीक है ना। लेकिन आप लोग देखो कोशिश करना कि नोट करते जाना, ठीक है ना। पीडीएफ के ज्यादा उसमें मत रागरो चक्कर में यार, पीडीएफ बहुत बड़ा वाला लफड़ा है, ठीक है ना। समझ रहे हो ना कि मतलब एक तुम देख रहे हो, तुम चैट करने में तुम्हें टाइम मिले तब तो तुम पीडीएफ पढ़ोगे, तो पीडीएफ नहीं पहले नोट किया करो, क्लास मिले फटाफट से नोट कर लो आप, ठीक है ना। तो भैया एक और संस्था कौन सी थी भैया? संयुक्त राष्ट्र उच्चायुक्त। कौन सी भैया? संयुक्त राष्ट्र उच्चायुक्त, ठीक है ना, उच्चायुक्त। इसको भैया 2 बार नोबेल मिला हुआ था। कितने बार मिला था भैया? 2 बार इसको मिला हुआ था। सबसे पहले भैया मिला था 1954 में, और उसके बाद में क्या मिला भैया? 1981 में, ठीक है ना। इसका अगर क्षेत्र की भैया बात पूछ रहा है कि भैया इसका क्षेत्र कौन सा है, तो आप क्षेत्र भी बता दोगे। कौन सा भैया क्षेत्र है? तो क्षेत्र आप बता दोगे शांति के क्षेत्र में। किसके क्षेत्र में भैया? शांति के क्षेत्र में, ठीक है। ये हो गया भैया इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। उतना ही कराएंगे जितना इंपॉर्टेंट पूछा जाएगा, ठीक है। अब अगर आपसे पूछे अब यहां से और क्या क्वेश्चन बनते हैं मेरे भाई, तो आप फटाफट से क्या बता दोगे कि सबसे कम उम्र के व्यक्ति को, ठीक है ना, मतलब एग्जाम में क्वेश्चन आता है ना कि सबसे कम उम्र के व्यक्ति को नोबेल, ठीक है ना। तो सबसे कम में क्या बताएंगे? देखो फटाफट से आ जाओ, क्या पूछता है? सबसे कम उम्र, ठीक है ना, सबसे कम उम्र के व्यक्ति को नोबेल, ठीक है ना, व्यक्ति को नोबेल, ठीक है ना। हेडिंग फटाफट से आप डालेंगे एकदम चौड़े में आके, ठीक है ना। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, लगे रहो एकदम बुरी तरीके से, जब तक तुम्हारे हाथों में गड्ढे ना पड़ जाएं, उंगलियां जब तक आपकी गड्ढे ना पड़ जाएं, तब तक आप लोग छोड़ना नहीं इस चीज का, आप ध्यान रखना। चाहे सकल आपकी कुत्तों जैसी हो जाए, लेकिन पढ़ाई मत छोड़ना मेरे भाई, ठीक है ना। तैयारी करते रहना, बढ़िया तरीके से भी याद करते रहना, ठीक है ना। तो फटाफट से आप लोग नोट जरूर करते जाइए, पीडीएफ के चक्कर में मत पड़िएगा। पीडीएफ हम आपको प्रोवाइड करा देंगे, और उसके लिए हम आपको बता रहे हैं जो टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है ना मेरे भाई। चलो सबसे कम उम्र के व्यक्ति को नोबेल किसको मिला है? तो भैया किसको मिला? एक लड़की थी, ठीक है ना, क्या नाम था भैया? मलाला यूसुफजई। क्या नाम था भैया मेरे? मलाला यूसुफ जई, ठीक है ना। कहां की थी भैया? अफगानिस्तान की थी। कहां की थी मेरे भाई? अफगानिस्तान की थी, ठीक है ना। बहुत बहादुर लड़की थी, ठीक है, गोली लगने के बाद भी भैया बच गई थी, ठीक है, अफगानिस्तान की थी। तो उसको भैया कब मिला है? 2014 मिला है। अगर भैया इसका क्षेत्र पूछा जाए तो आप क्षेत्र तुरंत फटाफट से बता दोगे भैया किस क्षेत्र में मिला है? शांति के क्षेत्र में। वैसे लड़कियों को शांति क्षेत्र में कम मिलता है, ठीक है ना, कुछ समझ नहीं आता ना, लड़कियों को शांति पसंद नहीं होती, ठीक है ना, एकदम खयारिन टाइप की होती, एकदम एकदम दौड़ पड़े, ठीक है ना। लेकिन किस क्षेत्र में मिला भैया? शांति के क्षेत्र में मेरे भाई मिला हुआ है, ठीक है। कब मिला है भैया? 2014 में मिला हुआ है, ठीक है। और उस समय जब इनको मिला था, इनकी उम्र कितनी थी भैया? 14 वर्ष थी। कितनी थी मेरे भाई? 14 वर्ष इनकी उम्र थी, ठीक है। तो ये थी भैया सबसे कम उम्र के व्यक्ति को नोबेल। अब अगर आपसे पूछ देता है कि सबसे ज्यादा उम्र के व्यक्ति को नोबेल, क्या पूछता है मेरे भाई? सबसे ज्यादा उम्र के व्यक्ति को नोबेल, ठीक है ना। क्या पूछ रहा है कि सबसे ज्यादा, ठीक है, अब हेडिंग डालिए आप लोग, क्या डालेंगे? सबसे ज्यादा उम्र के व्यक्ति को नोबेल, ठीक है ना। ऐसे काम करो जो भाई मेरे नोबेल पुरस्कार मिल जाए, ठीक है ना। देख रहे हो 7-8 करोड़ एकदम मिल जाता, दही दही सब पकड़ा देते हैं, लो ले जाओ, ठीक है ना, उसी तरीके वाला, ठीक है। चलो मेरे भाई अब देखो, अब हम क्या कह रहे थे, सबसे ज्यादा उम्र में भैया कौन है? तो भैया नाम तो बढ़िया बड़ा प्यारा है इनका, नाम क्या नाम है भैया? आप फटाफट से बता दोगे क्या नाम है भैया? जॉन वी गुड इनफ। क्या नाम है भैया? जॉन वी गुड इनफ, ठीक है ना। एक दिन हम क्लास लेने वाले हैं मैराथन, जितने सारे पुरस्कार है सारे थ्योरेटिकल कवर कर देने वाले हैं, कम से कम 5 से 6 घंटे की,
बस हमें उस दिन मतलब ना लाइट वाइट हमारे यहाँ थोड़ा इशू रहता है, थोड़ा वाईफाई का रहता है, वो थोड़ा ठीक हम करवा लें, उसके बाद एक जबरदस्त क्लास लेने वाले हैं, ठीक है ना। तो आप लोगों को उस दिन नोटिफिकेशन मिल जाएगा। कौन है भैया? जॉन बी गुड इनफ। कौन है भैया? जॉन बी गुड इनफ, ठीक है। ये सबसे ज्यादा उम्र के थे, इनकी उम्र भैया कितनी थी? 97 वर्ष की उम्र में इनको मिला है। कितने वर्ष की उम्र में? 97 वर्ष की उम्र में। कहाँ के निवासी थे भैया? ये जर्मनी के निवासी थे। कहाँ के थे मेरे भाई? जर्मनी के निवासी थे, ठीक है। अब अगर हम बात करें किस क्षेत्र में मिला है, तो मेरे भाई रसायन के क्षेत्र में। किस क्षेत्र में? रसायन के क्षेत्र में इनको दिया गया। किसको दिया गया भैया? जॉन वी गुडेनफ को। किस क्षेत्र में दिया है मेरे भाई? रसायन के क्षेत्र में दिया गया, ठीक है ना। तो फटाफट से एक बार आप बहुत जल्दी स्पीड में आप एक बार क्या करेंगे, नोट मारेंगे, ठीक है ना। फटाफट से नोट करिए, उसके बाद में बढ़ते हैं भैया, ठीक है ना, आगे की तरफ, ठीक है। हाँ, और आपको बताना था, ठीक है ना, और चलो आ जाओ। और इसके बाद भैया करते हैं 1974 की भैया बात। एक डेट आपको याद रखनी है, कौन सी रखनी है भैया मेरे? 1974। क्या याद रखनी भैया मेरे? 1974, ठीक है ना। एक मिनट भैया रुक जाना, ठीक, चलो 1974, ठीक है ना। 1974 में एक घोषणा करी गई थी कि मरणोपरांत नहीं दिया जाएगा। क्या है? मरणोपरांत नोबेल नहीं दिया जाएगा, ठीक है ना, याद रखना। क्या है? नोबेल नहीं दिया जाएगा, ठीक है ना, नहीं दिया जाएगा, ठीक है। अब देखो, अब इसके बाद एक बचता है कि मतलब कि भारत में मतलब किसको किसको नोबेल मिला हुआ है, तो उसके बारे में हम अलग से वीडियो बना देंगे, छोटी सी वीडियो बना देंगे ट्रिक पर। जैसे कि भारत के लिए एक में ट्रिक होगी कि रवि सर हमारे आम ना बिके, तो रवि सर के आम बिके ना बिके, ठीक है ना। लेकिन भाई याद रखना, आपको ट्रिक से याद नहीं रखना है, आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। तो इस क्लास में थोड़ा लंबा हो जाएगा, और हम आपको एक दूसरी क्लास डाल लेंगे और आप अपलोड कर देंगे, उसमें हम आपको बता देंगे भारतीयों के नोबेल, उसके बाद 2022 वाला हम नोबेल आपको करा देंगे, ठीक है ना भैया। तो देखो, ये इंपॉर्टेंट क्लास थी, इससे नोबेल का जो इतिहास वगैरह जो क्वेश्चन पूछते हैं वो यहीं से आपको मिल जाएंगे, ठीक है। आपको अच्छे से नोट कर लेना है, आपको पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, ठीक है ना मेरे भाई। अपना ख्याल रखिएगा और बढ़िया तरीके से पढ़ते रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है ना, और लाइक शेयर करना आपका परम दायित्व है, ठीक है ना मेरे भाई। तो फटाफट से, और दूसरी बात क्या, यूपीएसएससी पैट का आ गया है भैया, तो यूपीएसएससी पैट के लिए एक नई सी वीडियो बनाएंगे और बताएंगे भैया कौन क्या पढ़ाएगा, बिल्कुल स्मार्ट तैयारी से बताएंगे भाई, स्मार्ट तैयारी से, ठीक है ना। और ये तो भैया अक्सर कर एसएससी है, सीएचएल है, सीसीएल है, बहुत सारे अन्य एग्जामों में पूछा जाता है टॉपिक, ठीक ना मेरे भाई। तो एक बार कमेंट करके बताइएगा आपको टॉपिक कैसा मिला। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, अपना ख्याल रखिएगा मेरे भाई। जय हिंद।